देखिए आज का टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टर। तो उसमें देखिए मंथ निकालने के लिए इस डेटा में क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट का फंक्शन लगाता हूँ। तो मैं कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि टेक्स्ट का फंक्शन मैं इसमें यहाँ रेफरेंस दिया वैल्यू का ये, एंड देन फॉर्मेट टेक्स्ट में मुझे कस्टम फॉर्मेट डालना है। तो मंथ के लिए मुझे चाहिए MMM, ठीक है ये आ गया अगस्त। यहाँ पे मंथ आ गया, ठीक है जी। अब सॉर्टिंग एंड फिल्टर को देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर आपका होम टैब में होता है, यहाँ पे इसमें एडिटिंग के ऑप्शन में होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग करने के लिए आप किसी भी सेल पे क्लिक करें जिसको करना चाहते हैं, एंड वही ये सॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए। ए टू जेड करेंगे तो अल्फाबेटिक सॉर्ट हो जाएगा, जेड टू ए करेंगे तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह डेट पे जाएंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आ रहा है ये सॉर्ट हो गया, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट आ रहा है ये सॉर्ट हो गया, ठीक है जी। सॉर्टिंग में हमें सिलेक्शन करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका डेटा एक फ्लो में हो, आप कैसे चेक करेंगे फ्लो में, कंट्रोल का बटन प्रेस करके जब आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एंड तक अगर डेटा तक अगर आपका आ रहा है तो आपका इसके अंदर है। या फिर सबसे सिंपल तरीका क्या है, कंट्रोल ए प्रेस कर दें कहीं भी जाके इस डेटा में सिलेक्ट करके, तो आपका फुल सिलेक्शन अगर डेटा करता है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे ये डेटा नहीं है, ठीक है जी, तो भी आप कहीं पे सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल ए तो ले रहा है, पर जब आप इसको भी डिलीट कर देते हैं, जब मतलब एक क्लियर गैप हो जाता है एक लाइन का, तब देखिए सिलेक्शन पॉइंट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ करूंगा तो इतना हो रहा है, ठीक है जी। इस केस में जब मैं सॉर्ट एंड फिल्टर करूंगा तो खाली जो कंट्रोल ए वाला एरिया है इतने पे ही इफेक्ट करेगा, अगर विदाउट सिलेक्शन के करता हूँ, ठीक है जी। अगर मुझे इस ऐसी लाइनें, मान लीजिए डेटा है जिसमें ऐसी काफी सारी लाइनें हैं बीच बीच में, ठीक है जी, तो फिर मैं कैसे करूंगा सॉर्ट। मान लीजिए यहाँ पे भी एक लाइन है, तब मुझे सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी असल में। तो आप उस टाइम सिलेक्ट कीजिए देन सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपका जो डेटा था वो एक फ्लो में आ जाएगा, बाकी नीचे चला गया। दूसरा ये तो इसमें ऑप्शन थे, देखते हैं कस्टम सॉर्ट। इसी तरह से वही चीज ही आपका जो लाइन वाला गैप है वही फिल्टर में भी चलता है, फिल्टर में भी उसी को ही रेंज में लेता है, उसको मैं दिखाऊंगा। तो आपके पास एक कस्टम सॉर्ट है, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो कस्टम सॉर्ट है। इसमें आप एडवांस लेवल की सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे मुझे मैंने क्या करना है, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट मारना। तो सॉर्ट हम बेसिकली वैल्यूज पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी। अगर मान लीजिए हेडिंग नहीं दिखा रही है तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका ऑफ हो, तो चेक कर दीजिए माई डेटा हैज हेडर्स, हेडिंग दिखा देगा यहाँ। तो पहला मुझे नेम की सेटिंग करनी है सॉर्ट बेस्ड ऑन वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज है इसके, और ए टू जेड करना है, ए टू जेड जेड टू ए, हमारे पास दो ऑप्शन है। और सॉर्ट ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू सेल कलर के बेस पे कर सकते हैं, फॉन्ट कलर के और सेल आइकॉन के बेस पे कर सकते हैं। फिलहाल हम वैल्यू पे करेंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि उसके बाद जो सेल्स है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाए, ठीक है जी। ये दो सॉर्टिंग ऑप्शन मैंने दे दिए। तो क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में ये हरी ये आ गया, हरीश मान लीजिए सॉर्ट हुआ, और हरीश के बाद सेकंड लेवल इसका आया। तो मतलब हरीश की हाईएस्ट सेल इधर, फिर डाउन होते होते हरीश की लोएस्ट सेल, देन महेश हाईएस्ट से चालू हुआ, देन जाते जाते महेश की लोएस्ट सेल। तो इस तरह से आप इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, अप टू 64 लेवल तक आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये जो मैंने दो लेवल दिखाए इसमें आप 4 लेवल 5 लेवल तक की भी 64 लेवल तक आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए लेवल ऊपर नीचे करना है तो ये है बटन,
यहाँ से ऊपर नीचे इनको डाल सकते हैं, कोई भी लेवल डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हैं, नीचे डुप्लीकेट करना है तो कॉपी लेवल कर सकते हैं, नया लेवल ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा ऐड लेवल। ठीक है जी, बाकी देखते हैं। मान लीजिए ये डेटा है मेरा, कुछ डेटा मैंने ऑडिट के बेस पर डाल दिया कि मान ये कुछ मुझे चेंज करना है या यहाँ कुछ चेंज करना है, मैंने कलर करके रख लिया। अब कलर्ड वैल्यूज को एक साथ ऊपर लेके आना है सॉर्टिंग में, मैं जाऊंगा कस्टम सॉर्ट में और यहाँ पे करूंगा सेल्स बेस्ड ऑन सेल कलर। तो सेल कलर में जो अवेलेबल ऑप्शन है, जो कलर अवेलेबल होंगे उसमें, वो दिखा देगा। आपने ये चूज कर लिया, अब इसको टॉप में रखना है बॉटम में रखना है, मतलब सबसे ऊपर रखना है या सबसे नीचे रखना है? लगा सबसे ऊपर रखना है तो ऊपर कर दिए इसने ये ऑप्शन। ठीक है जी, देन मान लीजिए मैंने कुछ और कलर किए, या अब मैं क्या करूंगा कस्टम सॉर्ट, मैं चाहता हूं कि ये जो कलर है ये सबसे ऊपर आए, देन बाय मैं फिर सेल्स ले लूंगा और सेल कलर दूसरा कलर दे दूंगा, मैं कहा इसके नीचे पीला आ जाए। ठीक है जी, तो दोनों को टॉप टॉप रखूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, सेकंड इसकी हो जाएगी। ओके, बाकी डेटा नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इनका अगर फॉन्ट कलर चेंज है, फॉन्ट कलर के बेस पे भी इसी तरह की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे चले जाएंगे, नेम फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में ये रेड वाला ऑन टॉप ऊपर कर दे। ठीक है जी, रेड वाले ऊपर कर दिए मैंने। देन इसके बाद इसमें है एक सेल आइकॉन। सेल आइकॉन्स क्या होते हैं जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़े थे? आइकॉन सेट लगा दिया, मान लीजिए ये वाला लगा दिया, तो आइकॉन सेट के बेस पे भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। आइकॉन सेट किसमें? सेल्स में। देन सेल आइकॉन चूज कर लेंगे, कौन सा टॉप पे रखना है, मान लीजिए राइट वाला टॉप पे रखना है टॉप पे। देन मैंने कर दिया कि इसमें सेल आइकॉन क्रॉस वाला सबसे डाउन रखना है, बॉटम पे कर दिया। ओके कर दिया, तो जब देखेंगे यहाँ पे राइट वाले सबसे ऊपर आ गए, और जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है वो आपके सेकंड नंबर पे आ गए, देन सबसे नीचे जो है आपके क्रॉस वाले आ गए। ठीक है जी, देन इसमें बात करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये मंथ जो लिखा हुआ है, अगर मैं मंथ वाइज सॉर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? सॉर्ट करें, मंथ ए टू जेड, जेड टू ए, करते क्या देखते हैं। तो ए टू जेड में क्या हो रहा है, अप्रैल वाला आ जा रहा है, अप्रैल अगस्त, और जबकि जब मुझे मंथ सॉर्ट करने हैं तो कैसे करने हैं, जनवरी फरवरी। तो ये प्रॉब्लम कहां से दूर होगी? इसके लिए आपको याद होगा मैंने कस्टम लिस्ट आपको बताई थी। मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम दूसरी जगह आ गई, आपके पास आ गई है कि एम्प्लॉय लिस्ट, जिसमें कुछ जीएम है, मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको लेवल वाइज सॉर्ट करना है, मतलब जीएम सबसे ऊपर फिर मैनेजर बीच में, इस तरह के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए बेस्ट है आप जाइए कस्टम लिस्ट। ठीक है जी, अब कस्टम लिस्ट में से मैंने ये चूज कर लिया जनवरी फरवरी वाला। ठीक है जी, ओके ओके, तो जैसा उस लिस्ट में उसका सीरियल होगा उस हिसाब से सॉर्ट हो गया। ठीक है जी, इसको आप कस्टम लिस्ट तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी बना देते हैं, जैसे नाम मेरे पहले क्या थे वो भी कस्टम लिस्ट में पड़े, वैसे ही सॉर्ट करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, नेम ले लेता हूँ कस्टम लिस्ट से, ये रहे। ठीक है जी, ओके, सॉर्ट हो गए पहले की तरह जैसे होने चाहिए।
संदीप हरीश और वो सब। ठीक है जी, तो लिस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं फिल्टर की ओर। फिल्टर में क्या क्या होता है? फिल्टर लगाने के लिए देखिए, पहला तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक तो यहाँ से लगा सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर है, फिल्टर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा है आपका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है जी, तीसरा है आप डाटा में जाके भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले बात करते हैं डेट फिल्टर की। हर एक तरह का फिल्टर अलग अलग हो जाता है। इसमें हमारे पास है डेट, टेक्स्ट, न्यूमेरिक फिल्टर। तो डेट फिल्टर में आप देखेंगे, जैसे ही मैंने खोला तो डेट में आपको दिख रहा है कि ईयर वाइज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है जी, ये प्लस खोलेंगे, जैसे 2014 का खोलते हैं, ये खोला इसमें मंथ दिखा रहा है कितने अवेलेबल है, फिर ये खोला तो इसमें ये आ गए, आ गए डेट्स आ गए। तो जो चाहिए हम उस हिसाब से वो कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल ईयर चाहिए वाला, कैसे करूँगा? हालांकि इसमें इन मंथ से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप मन मर्जी के इसमें से एक आध सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दो सिलेक्ट इस महीने में से करने हैं, फिर इधर से मुझे क्या करने हैं, 2014 में से ये 2 मंथ सिलेक्ट करने हैं। कहीं से भी मैं कुछ भी सिलेक्ट करके उन्हीं का ही डाटा ले सकता हूँ। बाकी रही बात इसमें सिलेक्शन की, दूसरा अगर आपको ये प्लस जैसे नहीं दिखा रहा है तो समझ लिए डेट गलत पड़ी है। इसमें मान लीजिए मोस्टली हम लोग ऐसे डेट डाल देते हैं, जैसे क्या डालेंगे, 20 12, इस तरह से डेट डाल देते हैं। तो ये डेट हमेशा गलत होती है, जिसको आपका फिल्टर सबसे नीचे पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके मुताबिक ये डेट नहीं है। आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए और उनको सिलेक्ट कर दीजिए जो खाली आपकी खराब डेट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, 2 6 14, तो ये 2 डेट मेरी गड़बड़ हो गई। अब मैंने सही करनी है, यहाँ नीचे से मैंने ये दोनों सिलेक्ट की, ओके कर दी। देन क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, खराब डेट है। देन जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम है मेरे पास, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, एक बार और नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ से डेट में MDY की जगह जहाँ इंडियन फॉर्मेट डाल रखा है DMY, DMY करके फिनिश कर देना है आपने, तो आपकी डेट एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आप देखेंगे तो सारे ईयर्स बराबर है। ठीक है जी, कोई फालतू तो डेट नहीं। हाँ जी बताइए। मैनुअल? मैनुअल कैसे? नहीं, मैनुअल आप वैसे ठीक कर सकते हैं, पर जो मैंने बताया ना तरीका, उसमें क्या है कि आपका जैसे आपके बहुत सारी डेट्स गलत हैं, तो उसको ये एकदम से सही कर देगा इस फॉर्मेट को। हाथ से तो डाल ही सकते हैं। तो अब चलते हैं डेट फिल्टर में और देखते हैं एडवांस ऑप्शन। यहाँ तो जो मैंने बताया, यहाँ आपको ये नॉर्मल ऑप्शन थे जो कि समझना कैसे उसको मैंने बताया। अब डेट फिल्टर में यहाँ पे देखेंगे, इस पे देखेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी खुल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला देखते हैं इक्वल्स। आपके पास कैलेंडर है, कोई डेट इसमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आज टुडे वाली डेट उठा ली, मैंने कहा इक्वल्स टू दिस डेट दिखाए, तो इसके बराबर कोई डेट नहीं है यहाँ पे। या आप लिस्ट में से चूज कर सकते हैं, जो अवेलेबल डेट है वो आपकी लिस्ट में आ जाएंगी इसी में ही। ठीक है, मैंने कहा ये दिखाओ तो ये दिखा रहा है। बिफोर में क्या होता है कि आप इससे पहले वाली डेट्स दिखाओ। मैं चूज किया, मैंने कहा ये अक्टूबर 11 से पहले वाली डेट दिखाओ।
तो उसके पहले पहले वाली डेट जाए बिफोर में, आफ्टर में कोई भी हम चूज कर सकते हैं, उसके बाद वाली डेट दिखाएगा। ठीक है जी। देन ए बिटवीन, कोई डेट रेंज, जैसे मैंने कहा 1 मार्च इससे लेकर 1 मार्च 14 से लेकर 1 अप्रैल कर देते हैं, अप्रैल 14 से लेकर 31 मार्च 15 तक की डेट दिखाएं, तो उसके बीच की डेट दिखा देगा मुझे। ठीक है जी। देन टुमारो, कल की डेट है, कल आने वाली। ये फिल्टर क्या है कि आज की डेट में आपको 5 अगस्त दिखा रहा है, कल की डेट में आपको 6 अगस्त दिखाएगा। ठीक है जी। टू यस्टरडे, बीता हुआ उसकी दिखाएगा, टुडे आज की दिखाएगा अगर होगी। देन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में आने वाली। ठीक है जी। देन दिस वीक, इस हफ्ते की कौन कौन सी है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में कोई डेट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ, आने वाले मंथ की डेट्स, दिस मंथ, इस मंथ की, इसमें फिर लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर हो गया, अगले क्वार्टर में, जो हमारा 3 महीने का क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका दिखा रहा है, दिस क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर के। ठीक है जी। लास्ट क्वार्टर बीता हुआ का जो भी डेट होगी वो दिखा देगा। द नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर की 15 की सारी डेटें दिखाए, दिस ईयर, इस ईयर की डेट्स। तो इस तरह से आपके हैं लास्ट ईयर बीते, ईयर टू डेट है। ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2014 से लेकर आज की डेट तक की, मतलब 4 अगस्त तक की जो डेट्स होंगी वो ईयर टू डेट में आ जाएंगी अगर होंगी तो। ठीक है जी। देन ऑल पीरियड्स इन, ऑल डेट्स इन द पीरियड, तो क्वार्टर वन, अब ये जो थे इन द पीरियड क्वार्टर वन, तो हर ईयर का क्वार्टर वन, हर ईयर का क्वार्टर वन इसमें आ रहा है। इसमें चूज करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, तो हर ईयर का क्वार्टर आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, जनवरी, हर ईयर का जनवरी आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें तो पूरे मंथ रहेंगे। ठीक है जी। तो ये था आपके डेट फिल्टर में। दिन बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर की। टेक्स्ट फिल्टर में जब आप देखेंगे, ये तो सेम ही है टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ इक्वल्स टू में जो भी नाम होंगे लिस्ट पे आ जाएंगे, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। डज नॉट इक्वल टू मतलब इसको छोड़ के सारा आ जाए, बाकी सारे दिखा देगा। बिगिंस विद, बिगिंस विद में मैंने कहा एस से शुरू होने वाले नाम दिखा दो, तो ये बिगिंस विद दिखा रहा है, एस से शुरू होने वाले सारे नाम आ जाएंगे। देन एंड्स विद, मैंने कहा कि कोई जिसका एच से खत्म होता हो उसका नाम दिखा दो। ठीक है जी। तो उसका नाम दिखा रहा है। थोड़ा सर उसका प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से, मेरे पे तो रन हो रही है, नेट कहीं स्लो तो नहीं है। चल मेरा कर्सर टाइम पे नहीं दिखा रहा है। अच्छा, फिर कैसे करें। बात कर रहे थे टेक्स्ट फिल्टर की। एंड्स विद मतलब जो एच से एंड होने वाले थे मैंने दिखाया,
एंड होने वाले, एच से एंड होने वाले नाम आ गए, देन कंटेन्स। मैंने कहा कहीं भी जो आपको डबल ई मिल जाए, कहीं भी, ये ना स्टार्ट ने बीच में कहीं भी, तो डबल ई यहाँ मिला ऐसे, तो जीत में मिल गया। तो ऐसे ये फिल्टर कर दिए। देन उसके बाद है आपका डज नॉट कंटेन, मैं कहता हूं कि एच ना हो, तो एच नहीं होना चाहिए उस नाम में किसी भी, वो सारे नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, देन बात करते हैं नंबर फिल्टर की। नंबर में क्या है, ये डेट डेट का और नंबर का लगभग सेम ही होता है, इक्वल्स टू। मैंने कहा जो इक्वल टू 50 हो वो दिखा दो, आ गए 50 के। देन है डज नॉट इक्वल टू, आप जो 50 ना हो, बाकी सब हो, तो 50 छोड़ के बाकी सब चीज है। देन है ग्रेटर देन, मैंने कहा ग्रेटर देन 89 वाले दिखा दो, 90। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी आप देख रहे हैं 90 दिखा रहा है, 89। जब मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू करता हूँ तो 89 भी इंक्लूडेड होता है, मतलब वो खुद भी इंक्लूडेड होता है। इसी तरह से हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल टू है, मैंने कहा लेस देन 11 वाले दिखा दो, 10। एंड लेस देन इक्वल टू में इंक्लूडेड हो जाएगा 11। बिटवीन मैंने कहा 10 से 15 वाले दिखा दो, 10 से 15 के सारे आ गए। देन टॉप 10, टॉप 10 में आप टॉप एंड बॉटम चूज कर सकते हैं, 10 की जगह कितने भी कर सकते हैं, टॉप 5 ले लेता हूँ। आइटम भी कर सकते हैं, परसेंट भी कर सकते हैं। टॉप 5 आइटम करेंगे तो 5 हाईएस्ट वैल्यू वाले आइटम आ जाएंगे, और 5% करूंगा तो होल डेटा का 5% डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे 31 दिखा रहा है, यानी कि 600 के आसपास रिकॉर्ड है, मोर देन 600 एंड अबव एवरेज। एवरेज पूरे का एवरेज निकालेगा, एवरेज से जो बड़े होंगे वो दिखा देगा, इसी तरह बिलो एवरेज, एवरेज से छोटे वाले। तो आपके नंबर, ये आपके टोटल फिल्टर एंड सॉर्टिंग था, जिसमें आपने देखा नंबर, टेक्स्ट और डेट का। और एक चीज जो भी हमने ऊपर ऑप्शंस में किया, यहाँ सबके नीचे एक कस्टम फिल्टर है। ठीक है जी, कस्टम फिल्टर में यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें काफी सारे ऑप्शन है, डज नॉट इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, डज नॉट एड विद कंटेन, डू नॉट कंटेन, सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। अब ये दिखाता हूँ कि ये एंड और का क्या मतलब है इसमें। ठीक है जी, इसमें दिखाता हूँ कस्टम फिल्टर में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इक्वल टू 10 हो, और एंड कर देता हूँ इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो क्या होता है, कोई भी डेटा नहीं आता। पर इसी की जगह मैं कर दूं और, तो 10 भी आएगा और 12 भी आएगा। बेसिकली रूल क्या होता है इसका, अगर हम एंड कह रहे हैं 10 से 12, तो दोनों 10 12 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि तो ये जो रूल होता है वो एक सेल के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि होल डेटा के लिए। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं, खाली एक सेल की, तो उसमें या तो 10 होगा, ये देखेगा इज इट इक्वल टू 10, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है जी, अब फॉल्स करेगा और फिर सेकंड में कहेगा इज इट इक्वल टू 12, ये करेगा ट्रू। तो ट्रू फॉल्स एंड की कंडीशन जब लगाते हैं, तो एंड की कंडीशन में क्या चाहिए, दोनों मैटर में ट्रू चाहिए, तो जाके काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, और में क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ये चला देगा कंडीशन को, इस वजह से यहाँ पे और सिलेक्ट किया है। और जैसे कि हम इसमें देखते हैं, बिटवीन वाला देखते हैं, तो
तो इसमें क्या है एंड का है. क्या होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और इज लेस देन इक्वल टू 12. यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होगी. जब बीच की बात करेंगे कि 10 से 12 के बीच की वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू जो होगी 10 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी या फिर और 12 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी. तो ये दो कंडीशन वहां ट्रू करती है. ठीक है जी, वहां पे लगता है. तो ये था आपका कस्टम फिल्टर. बाकी आपको अब थोड़ी सी ट्रिक्स दिखाता हूं जो आपको इसके साथ कर सकते हैं. जो फिल्टर के साथ या सॉर्टिंग के साथ हम लोग करते हैं. अब देखिए मेरी क्वेरी है कि हरे इसके बीच में एक एक लाइन डालनी है, एक एक लाइन इंसर्ट करनी है, ब्लैंक लाइन मतलब ये, फिर इसके बाद ये. तो इंस्टेंटली कैसे करेंगे इसका कोई सॉल्यूशन, ट्रिक दे देता हूं आपको. आपने क्या करना है, यहां पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल लीजिए साइड में. ठीक है जी, एक दो करके मैंने ये ले दी सीरियल नंबर, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहां लगा दीजिए, एंटर कर दी, यहां कर दी. देन आपने क्या करना है, सॉर्ट मारना है इसके बेस पे. जो सबसे लास्ट में कॉलम ही है उसको मैं सॉर्ट कर देता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में. ठीक है जी, अब सॉर्ट मार दिया, उसमें क्या हुआ, जो नीचे का एक था ऊपर में आ गया. अब बेशक इसको डिलीट कर दीजिए. ठीक है जी, एक 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 साथ हो गया, दो दो एक साथ हो गया. बेसिकली आपके हर एक लाइन पे के बाद एक लाइन आ गई. ठीक है जी, अब इसको डिलीट कैसे करनी है लाइन, इसको क्या कहिए आप, पहले सिलेक्ट करके लगा लीजिए. ठीक है, फिल्टर लगा लीजिए. देन आपने क्या करना है, यहां से ब्लैंक चूज करना है खाली, और उसको ये जो नीला नीला है ना, जहां तक नीला है वहां तक सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए. बस बीच की ब्लैंक्स आपके खत्म हो जाएंगे. कई बार क्या होगा कि आप ऐसे डिलीट करेंगे और पीछे का सारा डेटा उड़ गया मान लीजिए. तो उसके लिए अगर आपको श्योर रहना है कि ऐसा ना हो, तो जब आप यहाँ पे जो ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐसे ये सिलेक्ट करके डिलीट करने जाएं, उससे पहले आप चले जाएंगे यहाँ होम टैब में, फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, एंड विजिबल सेल्स ओनली, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे. तो ये क्या करेगा, ये बाहर बाहर की जो आपकी सेल विजिबल है ना, खाली उन्हीं को सिलेक्ट करेगा. अब इसको डिलीट करेंगे तो खाली यही डिलीट होगा और कुछ नहीं होगा जो ऊपर दिख रहा है. कॉपी पेस्ट के दौरान भी यही होता है कि जब हम यहाँ से कॉपी करके फिल्टर डेटा है कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कई बार पीछे का डेटा आ जाता है. जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी किया, अभी तो नहीं आ रहा, पर मोस्टली में आपका सारा डेटा आ जाएगा. अभी तो ठीक ठाक हो रहा है क्योंकि विजिबल पे सिलेक्टेड है. कई बार पीछे का डेटा आए तो आपको यही करना है, जैसे सिलेक्ट करके कॉपी करने चलें तो कॉपी करने से पहले इसमें गो टू स्पेशल में विजिबल सेल सिलेक्ट कर लें, ओके करेंगे, फिर आपका यही डेटा कॉपी होगा जो सामने दिख रहा हो. ठीक है जी, बाकी हाँ तो इसका यही है आपके लिए, तो महामंत्र हो गया है, इसको आप रट लीजिए. और आज के सॉर्ट एंड फिल्टर में इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं फिर. ठीक है जी. Thank you.